नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेश्वरटी गांव में दहेज लोभी ससुराल वालों के द्वारा एक नवविवाहिता को उसके दुधमुहे बच्चे को छीनकर तथा जानवरों की तरह मारपीट घर से भगा दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मारपीट की घटना में महिला को काफी अंदरूनी चोटें आई है, जिसका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजियारपुर में किया जा रहा है। इस घटना से संबंधित आवेदन पीड़िता खुशबू देवी ने स्थानीय उजियारपुर थाना को उपलब्ध करा दिया है। उजियारपुर थाना को दिए आवेदन में पीड़िता ने कहा है कि करीब 2 वर्षों पूर्व उनकी शादी उजियारपुर थाना क्षेत्र के लखनीपुर महेश्वरटी वार्ड संख्या 12 निवासी लखिंदर सहनी के पुत्र संजय सहनी के साथ हुई थी। शादी के समय उनके ससुराल वालों को उनके मायके वालों ने उपहार स्वरूप लाखों रुपए का सामान भी दिया था। शादी के 15 दिनों बाद तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद उनके पति, ससुर, सास तथा परिवार के अन्य लोग उन्हें दहेज में 51,000 रुपया तथा एक मोटरसाइकिल मायके से मांग कर लाने का दबाव बनाने लगे। चूंकि उनके मायके में पिताजी की मौत हो चुकी है, इसलिए ऐसा कुछ भी कर पाना असंभव था, इसलिए उन्होंने मायके से पैसा तथा गाड़ी मांगने से इनकार कर दिया। बस यहीं से शुरू हो गया उन्हें प्रसारित करने का दौर। उनके ससुराल वाले उन्हें रोजाना मारपीट करने लगे। ऐसा करते हुए 2 साल हो गए, लेकिन उनके ससुराल वालों का सितम रुका नहीं। विगत 2 दिन पहले उनके पति तथा सास ने उन्हें पैसा और मोटरसाइकिल के लिए फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो उनके पति संजय सहनी ने उनके गोद से उनके बच्चा को छीन लिया तथा जानवरों की तरह मारते पीटते अर्धनग्न कर दिया तथा उसी अवस्था में रोड पर घसीटते हुए उनके एक रिश्तेदार के यहाँ लाकर फेंक दिया, जिसके बाद मरणासन्न अवस्था में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उजियारपुर में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पीड़िता का पति संजय सहनी का पंचायत के ही एक जनप्रतिनिधि से पारिवारिक रिश्ता है। वहीं इस संबंध में पूछे जाने पर थाना अध्यक्ष विश्वजीत कुमार ने बताया कि उपरोक्त घटना से संबंधित आवेदन पीड़िता खुशबू देवी के द्वारा थाना को उपलब्ध कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना सही पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। मोटरसाइकिल देते हो तो रखो, दहेज मोटरसाइकिल देते हो रखो, नहीं तो नहीं रखो, जो अपना दुनिया देखो नहीं रखो। कहिया ही मारपीट चल गए ना? पर कल परसों से। परसों? हाँ, परसों रात में। परसों रात में किस से मारपीट चल गए? सास पति मिलकर ठोटी रखते हो, बच्चा के दूध पियाबैत रहे, बच्चा के छीन लेके गोदी से ठोटी पकड़ करके घिसियाबैत रेल पर लड़कर ठोटी पकड़ कर पटक दिलकर तब टांगड़ी दे कर घिसिए लगले, टांगड़ी पटांग दे कर उधारे लगले, तब डाइन पकड़ते चफले चफले मरवाते लड़के, तब मसाला पटक दिलकर कहक लीजिए आपको बेटी की दूसरा शादी कर लीजिए, हम दुनिया देखेंगे। हमारे बहन के साथ परेशानी है, परसों रात में वहाँ पर बहुत मारा पीटा, हमको फोन गया, वहाँ से आए तो पता लगा जो फोन पर कहा हमको जब तक 51,000 रुपया एक गाड़ी नहीं दीजिएगा तब तक हम नहीं आपको बहन कर रखेंगे और तब तक हम वैसा ही मारेंगे। कितना दिन पहले शादी की है? 2 साल हो गया शादी का। शादी के समय में भी कुछ दिए थे क्या? हाँ, शादी के समय 51,000 रुपया दिए थे, बर्तन बासन गहना जेवर जो होता है सब दिए थे। दहेज के लिए ही मारपीट किया जा रहा है? दहेज के लिए ही मारपीट करता है आज से नहीं, 2 साल से मतलब 15-20 दिन ठीक रखा, उसके बाद सास उसका पति सब हमेशा देवर जो है वो भी मारता पीटता है, सब गाड़ी बात देता है। अच्छा, इस मामले में कभी पंचायती स्तर पर पहल किए थे? हाँ, पंचायती भी बैठाए थे, किए थे। क्या हुआ था उसमें? बोला ठीक है हमको गाड़ी दे दीजिए, हम बोले ठीक है हमारे पास अभी छक सम है, जो होगा ना तो हम गाड़ी दे देंगे। उसके बोला 10-15 दिन फिर ठीक रहा, उसके बाद फिर वैसा ही मारने पीटने लगा।